जय हिंद दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर धर्म गुरु भर्ती के बारे में काफी उम्मीदवार जुड़े हुए हैं आने वाले समय में जो तैयारी कर रहे हैं उनमें भी काफी बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं तो अभी दोस्तों YouTube पर सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है कई बच्चे एक न्यूज़ चल रही है कई जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि आने वाले समय में जो धर्म गुरु भर्ती है वो बंद हो जाएगी ऐसा लोग बोल रहे हैं तो इसी विषय में आज आपसे बात करूंगा क्या धर्म गुरु भर्ती बंद हो सकती है भारतीय सेना के अंदर ठीक आरटी जीशु दोस्तों काम सबसे पहले आर टी जीशु आपका आपको काम बता दूं आर टी जीशु क्या है दोस्तों एक धर्म गुरु है ठीक है ना जो कि हर रेजिमेंट के अंदर होता है भारतीय सेना दोस्तों अलग अलग जाति के है ना सैनिक होते हैं तो वहाँ पे क्या है धर्मगुरु की आवश्यकता पड़ती है ठीक है और रेजिमेंट के अंदर एक या दो ही धर्मगुरु होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो तो जो धर्मगुरु है ना जो ये जो रैंक है ये जो पद है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है कम है कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है है ना जो धर्मगुरु है उनकी बहुत बड़ी संख्या नहीं है एक रेजिमेंट में वो एक या दो ही होते हैं ठीक है और जो इसका काम है दोस्तों है ना आप अपने आस पड़ोस देखिए जो हम आ, सिविल में हैं ठीक है थीके? तो क्या हम पंडित जी भाई जी या मौलवी जी या पास्टर जी हमारा कोई भी काम है धर्म से संबंधित है हमारा शादी है ब्याह है बच्चे हो रहे हैं मुंडन संस्कार हो रहा है कोई किसी की डेथ हो रही है तो वहाँ पे क्या है पंडित जी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है जैसा जिसका धर्म है उसके हिसाब से है ना जो धर्म गुरु है उसकी आवश्यकता हमेशा रहेगी समझो कभी भी धर्म गुरु की जो आवश्यकता है वो खत्म नहीं होगी और दोस्तों जो भारतीय सेना है वो क्या है बिना धर्म के चलती ही नहीं है है ना सबसे पहले आपको बता दूँ इंडियन आर्मी के अंदर जो धर्म है उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है कोई भी कार्रवाई कोई भी काम जब शुरू होता है उससे पहले सबसे पहले क्या है कहीं कार्रवाई मार्च करती है सबसे पहले क्या है मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद है ना ये गाड़ी सबसे आगे जाती है कहीं भी हम फौज है कहीं जाती है फायर रेंज पे फायर करने जाती है सबसे पहले दोस्तों वहाँ पे पंडित जी पाई जी या मौलवी जी या पास्टर जी होते हैं जो जिस यूनिट से संबंधित सबसे पहले वो वहाँ पे क्या पूजा पाठ करते हैं ताकि क्या है जो सेना है है वो अभ्यास कर रही है चाहे वो ट्रेनिंग कर रही है उसको कोई भी वहाँ पर क्षति ना हो कोई भी दुर्घटना उनके साथ ना हो ठीक है तो बिना धर्म के बिना पंडित जी के बिना पास्टर जी के बिना धर्म गुरु के दोस्तों क्या है सेना बिल्कुल चल नहीं सकती है क्योंकि इनका काम ऐसा है काम कैसा है धर्म से संबंधित और सेना दोस्तों सेना में क्या है धर्म का बहुत ही ज्यादा क्या है महत्वपूर्ण स्थान है ठीक है बिना पंडित जी के बोल रहा हो कि पत्ता तक नहीं मिलता है कानवाई खड़ी होगी बिल्कुल पचास गाड़ियाँ सौ गाड़ियाँ पूरी रेजिमेंट मूव को तैयार है लेकिन जब तक पंडित जी आके घंटी नहीं बजाएंगे वो पूजा नहीं करेंगे नारियल नहीं फोड़ेंगे या मौलवी जी जब तक वहाँ पे वो नहीं पढ़ेंगे और पास्टर जी जो होते हैं जिस यूनिट से संबंधित होता है वो जहाँ पे वहाँ पर पूरी कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक वो कार्रवाई वहाँ से एक टायर भी नहीं लेगा ठीक है तो इतना महत्वपूर्ण पद है ये धर्म की धर्म की अगर निगाह से देखा जाए तो ये पद दोस्तों कभी भी सेना के अंदर से खत्म नहीं हो सकता ना ही इसके अंदर कोई बदलाव किया जाएगा मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे भी कई बच्चे पूछ रहे पूछ रहे थे कि सर क्या ये भर्ती बंद हो सकती है आर टी जे धर्मगुरु की जो जितने भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं सब कुछ बंद हो जाएगा दोस्तों लेकिन भारतीय सेना के अंदर धर्म कभी खत्म नहीं होगा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च ये हमेशा रहेगा इंडियन आर्मी के अंदर ठीक है क्योंकि इसका अपना आप में एक वजूद है ठीक है ना सेना के अंदर भी त्योहार मनाए जाते हैं हर चीज वहाँ पे मनाई जाती है हर्षोल्लास से होली मनाई जाती है दिवाली मनाई जाती है दशहरा मनाया जाता है रमजान मनाया जाता है ठीक है गुरु नानक पर्व मनाया जाता है क्रिसमस डे मनाया जाता है सब कुछ मनाया जाता है और उसी रीति रिवाज से मनाया जाता है जिस धर्म से वह संबंधित त्योहार है तो वहाँ पे क्या है धर्म गुरु की जो आवश्यकता है वह कभी भी खत्म नहीं होगी इसलिए जितने भी उम्मीदवार हैं बेफिक्र रहें बेचिन चिंतित रहें कोई भी मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आप अपनी तैयारी जारी रखें आने वाले समय में भी आर की भर्ती इसी प्रकार आती रहेगी जैसे हर साल आती है ठीक है ना किसी भी अफवाह पे कोई ध्यान नहीं देगा कि आर टी की भर्ती बंद होने वाली है ठीक है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं ठीक है मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ठीक है और दोस्तों बने रहे चैनल के साथ भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब कराना भूलें जय हिंद जय भारत वंदे मातरम